टीचर आयशा एजाज इन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा बेस सिस्टम ना वॉट इज़ डाटा बेस डाटा बेस एक्चुअली इट इज़ अ शेयर कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा इन अस्टमैटिक मैनर जो कि हम स्टोर करते हैं इस रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए ताकि डिफरेंट यूजर्स जो हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन uh, या किसी भी मैटर को आप एक्सेस कर सकें मैनेज तरीके से और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट भी कर सकें आपका जो डेटाबेस होता है वो डिफ़रेंट टेबल्स से मिलाकर जो है वो बनता है जिसमें रॉज एंड कॉलम्स जो हैं वो डिफ़रेंट एंटिटीज़ को डिफरेंट आप कह सकते हैं रिकॉर्ड्स को जो है वो होल्ड करते हैं अब डेटा बेस का जो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है देखें डेटा बेस की वजह से हम डिफरेंट रिकॉर्ड्स को सेव करते हैं अपने किसी भी क्लाइंट या किसी भी सब्जेक्टिव के लिए चाहे वो आपका स्कूल हो चाहे वो आपका शॉपिंग सेंटर हो चाहे वो आपका नेशनल नेशनल सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स हो चाहे वो आपका बैंक हो कुछ भी आप यूनिवर्सिटीज़ कह लें तो किसी भी क्लाइंट किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए उसका पर्टिकुलर डेटा uh, जो है या इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट उसकी सब्जेक्ट्स uh, को होल्ड करते हैं ताकि एज़ पर रिक्वायरमेंट उसको शो ऑफ किया जा सके फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम डेटा बेस जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ और इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं स्कूल के लिए एक डेटा बेस बना रही हूँ तो अगर मुझे सिर्फ़ उनकी बायोडेटा क्रिएट करना है कि एक पर्टिकुलर क्लास का बायोडेटा क्या है किसके क्या नम नाम है स्टूडेंट्स का उनके फ़ादर नेम क्या हैं उनके इमरजेंसी कॉल नंबर्स क्या हैं उनका एड्रेस क्या है तो वो एक है अगर मैं एक क्लास का रिजल्ट uh, बना उसी क्लास का रिजल्ट बनाया तो उसका डेटाबेस जो है वो रिज़ल्ट मुझे दूसरे तरीके से मिल जाए ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट टेबल्स में और इंटरकनेक्टेड टेबल्स uh, में जो है वो करते हैं लेकिन क्या है इस सारे डेटा को डेटा मैं आपको पहली बता चुकी हूँ व्हाट इज डेटा डेटा इज अ रॉ मटेरियल व्हिच वी यूज टू स्टोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट क्रिएट्स एन इंफॉर्मेशन इट क्रिएट्स अ रिक्वायर्ड रिज़ल्ट तो क्या है आपका डेटा बेस भी आपकी कलेक्शन होती है जो कि आपके किसी भी तरह के जब हम आ, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या हमारी नीड होती है फिर हम उसको उस तरह अरेंज करके गैदर कर सकते हैं तो डेटा बेस जो है वो हम एक सिस्टमैटिक वे से अरेंज करते हैं जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं सिस्टम क्या होता है देखिए ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सिस्टम जो है वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को अंडर अ पैटर्न अरेंज करते हैं आप उसकी लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं उसको uh, प्रोसेस करने का एक मेथड जनरेट करते हैं तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा होता है कि आपके सारे रिकॉर्ड्स को आपके सारे एंटिटीज़ को जो है वो एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है ताकि आपका यूज़र अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है या रिक्वायर्ड चीज़ जो है उसे गैदर कर सके हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस तरह भी कह सकते हैं कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि आपके यूजर को इनेबल करता है कि वो किसी भी चीज को किसी भी डेटा को स्टोर कर सके मॉडिफाई कर सके या फिर एक्सट्रैक्ट कर सके अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट और इसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि डेटाबेस इज एक्चुअली अ टूल दैट इज़ यूज टू परफॉर्म एनी काइंड ऑपरेशन ऑन डेटा इन डेटा बेस ठीक है अब हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं डाटा बेस की हम डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि माई एस क्यू एल है औरल है एस क्यू एल सर्वज हैं और विजअल एक्सरो है हमारे पास और भी बहुत सारे डाटा बेस सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को जो है वो मैनेज करते हैं एक और चीज़ है फ्लैट फाइल सिस्टम फ्लैट फाइल सिस्टम क्या है देखिए फ्लैट फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम पर्टिकुलरली किसी एक सिग्नल सिस्टम uh, के लिए जनरेट करते हैं ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही यूज़र जो है वो इस चीज़ को एक्सेस uh, कर सकता है हम एक टेबल एक लिमिटेड डेटा को अरेंज करते हैं रॉ एंड कॉलम्स में जैसे कि हम स्प्रेड बना लेते हैं और उस स्प्रेड में हम डिफरेंट डेटा को जो है वो ऐड कर लेते हैं तो इसे आप कह सकते हैं जैसे कि आपने एक्सेल पे किया हुआ है आप शीट्स बनाते हैं तो वो होती हैं आपके फ्लैट फाइल सिस्टम्स होती हैं जिसमें एक वक्त में एक ही यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है आपके डेटा को अब अगर हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और फ्लैट फाइल सिस्टम को अगर आ, आपस में कंपेयर करें तो आप देखें आपकी बुक में भी कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं अब क्या है पहला पॉइंट तो क्या गया कि मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस डेटा सामिल्टेनस की आपके डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि आप मल्टीपल यूज़र्स कर रहे होते हैं लेकिन फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या होता है कि एक ही यूज़र जो है वो एट अ टाइम आपके सिस्टम को फॉलोअप कर सकता है दूसरा ये कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग ह्यूज सेट ऑफ डेटा आप आप डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करते हैं बहुत नम जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को जो है वो सेव कर सकते हैं और एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं और उस इंटरलिंक की वजह से आप डिफरेंट अपने डेटा को अचीव कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट लेकिन फ्लैट सिस्टम में क्या है सुटेबल ओनली फॉर स्मॉलर सेट ऑफ डेटा आप एक पर्टिकुलर जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया और उसको सेव कर लिया फ्लैट फाइल सिस्टम जो है ना वो इसी तरह होता है लेकिन डी क्या होता है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स आप बहुत सारे टेबल्स को आप जब एक साथ सेट करते हैं तो वो डी का होता है नेक्स्ट है अलाउ नॉन डुप्लीकेशन एंड इंटीग्रिटी अच्छा इसमें क्या होता है डेटा बेस में डेटा बेस में जब हमें पता है कि हम डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा बना रहे हैं टेबल्स के थ्रू तो हमें उस डेटा को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती हम उससे रिलेटेड और दूसरे टेबल्स बनाते और उसको उनके जो की पॉइंट्स होते हैं वो दूसरे से दूसरे वही वाले की पॉइंट जिन दूसरे टेबल्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके साथ हम कनेक्टिविटी जनरेट कर देते हैं उनकी तो इस कनेक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि हमें एक ही डेटा को बार बार जो है वो रीजेनरेट या बार बार उसको टेबल्स में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती आपने अगर एक जगह एक टेबल में एक डेटा जनरेट कर दिया है तो उसी हिस, उसी के मुताबिक अगर हम कोई दूसरा और डेटा जनरेट कर रहे हैं तो उसको हमें दोबारा से एक टेबल में मैनेज नए टेबल में मैनेज नहीं करना पड़ता इसलिए हम कहते हैं के डी क्या कर रहा होता है कि नॉन डुप्लिकेशन होती है उसमें हम बार बार एक चीज़ को बार बार दूसरे टेबल्स में इंक्लूड करना नहीं पड़ता उस डेटा को लेकिन फ्ला फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या होता है ये चीज़ होती है हर एक टेबल जो है उसमें हर तरह की चीज़ को ऐड करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपको ऑनलाइन एक्सेस फरवाम कर रहा होता है जिसके ज़रिए आप मल्टीपल यूज़र को कनेक्ट करते हैं लेकिन फ्लैट फाइल सिस्टम ऐसा नहीं करता जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ ये एक पर्टिकुलर सिस्टम में के हद तक ही होता है जिसे एट अ टाइम एक ही यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकता है फिर डी बी एम एस गुड फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस हर तरह के बिजनेस के लिए हम एक डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं लेकिन फ्लैट फाइल सिस्टम जो है एक लिमिटेड एक स्मॉल रिकॉर्ड को जैसे कि फ़र्ज कीजिए कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक पूरी एक स्प्रेडशीट जो है वो अरेंज करी और वो एक टेबल्स क्रिएट किए डेटा मैनेज किया और वो मैंने सेव कर लिया वो फ्लैट फाइल सिस्टम है जिसमें लिमिटेड डेटा जिसमें मैं सेव कर सकती हूँ तो ये तो डिफरेंस आपका हो गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और फ्लैट फाइल सिस्टम क्या होता है देख लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं देखिए हम पहले ये देख चुके हैं कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो Uh, एक इम्प्रूव्ड वर्जन है कलेक्टिंग ऑफ डेटा को जिसमें आप किसी भी डेटा को की अरेंजमेंट को मैनेज करते हैं डिज़ाइन करते हैं उसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि आप उसे मैन्यूपलेट कर सकें अपनी नीड के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और यही वो पॉइंट्स uh, होते हैं जो कि इसे फ्लैट फाइल सिस्टम से uh, कंपेरेटिवली डिफरेंट बनाता है या मोर यूज़बल uh, बनाता है लेकिन अगर पॉइंट्स हम देखें कि इसके पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं तो सबसे पहला क्या है कि मल्टीपल यूज़र किन एक्सेस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें वो व्यू भी कर सकते हैं एड भी कर सकते हैं एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी डेटा को दूसरा है कि इसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं जैसे क्यूरीज़ को सेट करना व्यूज़ को फॉर्म्स को कि वो किस तरह से डिस्प्ले होंगे किस तरह से हम उसमें लॉजिक्स लगाएंगे उनका स्टाइलिंग क्या होगी उसका ये सारी वो चीज़ें हैं जो डी बी एम एस जो है वो आपको शो कर रहा होता है एस आपकी ये नीड्स जो है फिर है आपका डी वी एम एस इज मोर सिक्योर एंड रिलायबल ऑब्वियसली आप इसे सेव करते हैं अपने डेटा को नंबर ऑफ डेटा जो है वो आपके पास होता है तो आप उसको बड़ी प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ज़्यादा रिलायबिलिटी है इसमें इसमें प्रॉपर अरेंजमेंट और आ, है आपके डेटा का इंटरलिंक्स हैं या रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना किसी भी डेटा को या किसी भी सेट करना की वजह से हम इसे मोर रिलायबल करते हैं और फिर जब इसमें हम सिक्योरिटी चेक्स लगाते हैं तो वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है नेक्स्ट है टी बी एम एस अलाउड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ डेटा इन मल्टीपल टेबल्स बाय मेकिंग यूज ऑफ फीचर्स लाइक कीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड्स ऑफ दोस्ट टेबल्स देखिए मैंने आपको पहली बताया कि डेटाबेस जो है वो डिफरेंट टेबल्स से बन के मिलके बनता है अब क्या है कि अगर मैंने एक सबसे पहले अगर मैं स्कूल की ही एग्जाम्पल दे दूँ तो मैंने एक आ, लिस्ट बनाई कि स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं फिर एक लिस्ट बनाई कि स्कूल में क्लास वन के कितने बच्चे हैं तो उसमें उनका फर्ज आप सबके पास एक जी नंबर होता है होता है ना अब क्या हुआ कि पहला जो मैंने एक पूरे सारे स्टूडेंट्स का बनाया था उसमें एक ऐसी चीज यूनिक नंबर मैंने क्या दे दिया आपका जीआर नंबर फिर जब मैंने एक अलग-अलग करके क्लासेस में वो उन बच्चों को करा तो वो यूनिक कोड मैंने उसमें भी दिया आपका जीआर नंबर ठीक है ना तो उस उस उसमें वो जो यूनिक कोड था उस कोड ने आपके पहले वाले टेबल से इंटरलिक कर दिया आपके दूसरे टेबल को तो इसी तरह से टेबल्स आपस में एक साथ एक दूसरे से इंटरलिंक्ट होती हैं जिस या ये कहिए रिलेशन्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हम अपने डेटा को बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते और जब वो टेबल्स अलग अलग होते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस होता है कि हम अपनी नीड के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने चाहें टेबल्स क्रिएट करें और उनको इंटरलिक कर दें जिसकी जैसे हम ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा का डुप्लीकेशंस भी नहीं होता जिसकी वजह से बड़े आसानी के साथ हम रिजल्ट जनरेट कर देते हैं फिर क्या है प्रिपेयरिंग बैकअप एंड प्रोवाइडिंग लिमिटेड परमिशन टू द यूजर आर फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखिए जब हम ये चीज़ हम अरेंज कर रहे होते हैं अपने डेटा को तो उसका बैकअप्स भी हम बना लेते हैं डेटा में जिस और उस बैकअप को एसेसबिलिटी uh, जो है वो हम uh, फराम करते हैं लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजर्स को मतलब ये कि उसे सिक्योर भी बनाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिक्ट स्टेक है आपका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का नेक्स्ट है आपका डेटा कैन हैंडल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा मोर conveniently, therefore it is preferred by the medium and large organization. देखिए मैंने अभी आपको example दी थी कि आप अपने स्कूल में किस तरह से आ, मैंने आपको सिर्फ दो टेबल्स की example दी थी जो एक दूसरे से interconnect किस तरह से होते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है कि आपका जो है वो data ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह से सेव से कर सकती हैं आप बहुत सारे चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को जो कि एक दूसरे से गिचमिच गिचमिच भी नहीं होते जैसे कहते हैं ना कि ये तो बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे कैसे आ गया यहाँ पे जब आप डिफरेंट छोटे छोटे टेबल्स और एंटिटीज़ को जो है वो अरेंज करते हैं तो आपका डेटा जो है वो प्रॉपरली मैनेज होता है अब प्रॉपर एक जब चीज़ मैनेज हो जाती है तो ऑब्वियसली वो मोर प्रेफरेबल होती है और इसीलिए हम कहते हैं कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होता है अगर एक छोटी सी आ, कोई चीज़ है जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा फ्लैट पैनल आपको फ्लैट फाइल सिस्टम समझाते वक्त कि अगर मैं सिर्फ अपना लिए करूं तो मेरे लिए तो सिर्फ एक स्प्रेडशीट ही एक्सेल की बहुत है लेकिन जब हम एक स्कूल की बात करते हैं एक पूरे स्कूल का डेटा होल्ड करने की बात करते हैं तो वहाँ पे डेटा बेस हमें काफ़ी सपोर्ट करता है तो ये तो हो गए आपके डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखिए किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पांच मेन कंपोनेंट्स होते हैं तो वो क्या हैं पहला है टेबल्स मैंने आपसे कहा कि टेबल्स क्या है टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ़ डेटा एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं फ़ॉर एग्जांपल अगर मैं आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आ, एक किसी भी मैं स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाती हूँ ठीक है तो उसका आईडी नंबर क्या है उसका नाम क्या है उसका फादर नेम क्या है उसकी क्लास क्या है ये एक टेबल क्रिएट कर दिया जिसमें मैं डिफरेंट रॉस एंड कॉलम्स को मैनेज कर रही हूँ जिसमें किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंटेंट को मुझे गैदर करना है नंबर ऑफ फील्ड्स को अरेंज करते हुए एक टेबल में दो मेन चीज़ें होती हैं एक होती है फील्ड्स और एक होती है रिकॉर्ड्स फील्ड्स क्या हैं देखिए फील्ड्स हैं कि उसका आईडी क्या है उसका नेम क्या है उसका फादर नेम क्या है क्लास क्या है ये फील्ड्स कहलाती हैं किसी भी टेबल में जो फील्ड्स होती हैं वो वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा होता है जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज के थ्रू ठीक है ना वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा उसे हम कहते हैं फील्ड्स देखिए जैसे कि यहाँ पे है कि फील्ड्स आर द एट्रीब्यूट्स और कॉलम आप फर्स्ट लाइन देखिए आपको यहाँ पर एरोज के थ्रू बताया भी गया है कि ये एग्जाम्पल है कि एक ऐसा कंपोनेंट जिसके हिसाब से हमें डेटा जो है वो सेव करना होता है उसे हम कहते हैं फील्ड्स रिकॉर्ड्स क्या होते हैं रिकॉर्ड्स उन फील्ड से रिलेटेड डेटाज़ होते हैं कि फॉर एग्जांपल के फर्स्ट रो आईडी नंबर का नाम जो है वो रमीज़ है रमीज़ के फादर का नाम तारिक है और इनकी क्लास जो है वो क्लास नाइन्थ है तो ये एक रिकॉर्ड हो गया उस फील्ड के हिसाब से जो कि ऊपर मैनेज है जब हम एक एंट्री सेव uh, करते हैं उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्या है अ सिंगल एंट्री इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड ठीक है ये आप जो हैं वो मल्टीपल्स जो है वो जो रोज होती हैं आपकी उसमें अरेंज हो रहा होता है अब तीसरी जो कंपोनेंट है आपके हैं डेटा बेस का वो है आपका डेटा टाइप अब हम बहुत पहले भी एक बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं देखिए इंटीजर होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं करेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग्स होते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस होती हैं डेट एंड टाइम होता है ठीक है डेटा टाइप Uh, के को स्टोर करने के डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं और हम उन्हीं फॉर्मेट्स के हिसाब से अपने उस डेटा को uh, की फील्ड्स जनरेट करते हैं उनको हम सेव करते हैं उसी हिसाब से अपने डेटाबेस में तो इंटीजर क्या है कि होल्ड ओनली होल नंबर्स हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं ठीक है फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या हैं जो पॉइंट्स में आते हैं डेसिमल पॉइंट्स में आते हैं उन नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट्स कहते हैं करेक्टर्स क्या हैं जो कि अल्फाबेटिक करेक्टर्स होते हैं उन्हें हम करेक्टर डेटा कहते हैं स्ट्रिंग क्या है जिसमें हम नंबर्स भी ला सकते हैं जिसमें हम लेटर्स भी ला सकते हैं स्पेशल करैक्टर्स भी ला सकते हैं इवन नंबर्स भी ला सकते हैं बुलियन क्या होता है ज़ीरो और वन बुलियन तो हम हमें पता है या तो ऑन या ऑफ़ बुलियन हम इसी तरह से रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट है आपका डेट एंड टाइम डेट एंड टाइम क्या है कि जो भी आपका जो टाइम है या जो भी आपकी डेट है उसे हम स्टोर करते हैं डिफरेंट डेटा को सेव करने के लिए जैसा कि अक्सर अवकात आपने देखा होगा कि इस टाइम में आपने शॉपिंग की थी ये भी सेव हुआ हुआ होता है आपके सिस्टम में या इस टाइम पे मैंने इस बच्चे का एडमिशन करवाया था तो एक ऑप्शन हम डिफरेंट फील्ड्स में ये भी देते हैं तो ये भी एक टाइप ऑफ डेटा है जिसे हम डेटा बेस में यूज़ कर रहे होते हैं नेक्स्ट है व्यू व्यू क्या है कि किसी भी डेटा बेस को हम के जो टेबल्स हम सेव कर रहे हैं हमारा यूज़र के सामने वो किस तरह से प्रेजेंट होगा हम डिफरेंट फॉर्म्स हमारी स्क्रीन पे खुल रही होती हैं तो जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो उसको यूज़र को शो करने के लिए हम डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो जनरेट करते हैं जिसके ज़रिए डेट कोई भी यूज़र या तो डेटा इन करता है या फिर उसको रिट्रीव करवाता है अपनी स्क्रीन पर तो वो जो स्क्रीन हम जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं व्यूज ये तो हो गया आपके डिफरेंट फाइव कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू लेट स्टार्ट देखिए पहला स्टेप क्या है टू क्रिएट टेबल इन एक्सेस यूनिक डिज़ाइन व्यू क्लिक ऑन द क्रिएट टैब आपका जो मेन्यू में आ रहा होता है क्रिएट आप उसको जो है वो क्लिक uh, करेंगे तो फिर वहाँ पे व्यू मेन्यू आ जाता है और आप चूज uh, करेंगे डिज़ाइन व्यू को जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अ न्यू टेबल देन अपियर इन द टेबल डिज़ाइन व्यू और आप ये नोट करें कि एक डिफॉल्ट नाम जो है वो उस टेबल का टेबल वन लिखा हुआ होता है आप उसको वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका टाइप द नेम ऑफ द फील्ड इन द फील्ड नेम कॉलम अब आपके पास फील्ड्स निकल आएंगे देखिए आप नेक्स्ट आपके नेक्स्ट uh, पेज पे आपका पिक्चर uh, भी है उसमें आप देखेंगे कि आपको जो है ये फील्ड्स नज़र आ रही हैं तो फील्ड्स नेम जो है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर पहली फील्ड दी हुई है कस्टमर आईडी की तो आपने जो है वो एक डाल दिया देन यूज़ द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द डेटा टाइप कॉलम टू असाइन द फील्ड अ डेटा टाइप अब उस फील्ड के अंदर आप किस तरह का डेटा जो है वो सेव करेंगे आप ये जो है वो डेटा टाइप की में मेंशन कर रहे होते हैं नेक्स्ट आपका आता है कि आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन का एक आपके पास ऑप्शन है इसमें आप उस फील्ड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि इस फील्ड में किस तरह का डेटा जो है वो एंटर कर रहा है तो उसमें आप देखें एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ कस्टमर जिसका मतलब ये है कि एक यूनिक है इसे हम प्राइमरी uh, की बना सकते हैं कि ये चीज़ प्राइमरी की बनाना कि इस टेबल का एक ऐसी की जो कि दूसरे टेबल्स के साथ भी आप लिंक कर सकते हैं इसे हम कहते हैं प्राइमरी की जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर एग्जाम्पल की जो आपकी विंडो बनी हुई है उसमें प्राइमरी की का भी ऑप्शन है फिर आप क्या करेंगे कि आप इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलोअप करते हुए डिफरेंट जो है वो फ़ील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं जिनके ज़रिए आप डिफ़रेंट एंट्रीज़ जो है वो क्रिएट कर सकें जैसे कि आपके पास कस्टमर आईडी आपने डाल दिया है आप फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है एड्रेस है जैसे कि यहाँ पर आपको लिस्टिंग में बताया गया है और आप इस तरह की एंट्रीज़ जो हैं वो फील्ड्स में मेंशन कर सकते हैं ये चीज़ जब आप कर लें बना लेते हैं आप कि मुझे इस टेबल्स की ये ये चाहिए तो फिर उसके बाद आप क्लिक करते हैं सेव के बटन को जो कि टूल बार में होता है आपके उसके अगेंस्ट में आपके पास एक एस का एक मेन्यू खुलता है और उसमें आप अपने टेबल का नाम करते हैं और उसको फिर रिकगनाइज़ करवाते हैं कि ये एक टेबल है और ओके का बटन दबा देते हैं ये वो पैटर्न है जो जिसके ज़रिए आप डिज़ाइन व्यू को यूज़ करते हुए एक कोई भी टेबल जो है क्रिएट करते हैं आई होप कि आप ये प्रोसेस जो हैं वो अपने सिस्टम्स पे अप्लाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे टेबल्स को क्रिएट करने की अपने घर के अंदर भी आई होप दैट यू मे अंडरस्टैंड द अबव टॉपिक्स एज वेल इनशा मैं आपको इसके नोट्स जो हैं वो अपलोड करवा दूँगी कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड सबमिट इट फॉर चेकिंग टिल देन अल्लाह हाफिज़ बेस्ट ऑफ लक